वेलकम टू डीएन पटेल मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है उसके बारे में हम पहले तो इंट्रोडक्शन लेंगे। तो इस ये टॉपिक क्या है तो उसकी इंट्रो देखेंगे। ये जो टॉपिक है वो 11th में रेगुलर में भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जी मेंस उसमें भी। तो हमें दोनों तरह से ये टॉपिक देखना है, 11th रेगुलर के लिए भी और जी मेंस के लिए भी। तो पहले तो हम इसकी इंट्रो में देखेंगे कि ये जो टॉपिक है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है सेंटेंस, और सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो सेंटेंस, वन सेंटेंस होता है ओनली सेंटेंस, ओनली सेंटेंस, और दूसरा जो है वो सेंटेंस स्टेटमेंट भी होता है। मीन्स सेंटेंस दो तरह के, एक सेंटेंस होता है वन ओनली सेंटेंस और दूसरा है स्टेटमेंट। अब ओनली सेंटेंस के बारे में हमें आगे नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है स्टेटमेंट के बारे में। तो स्टेटमेंट कितने होते हैं, उसके टाइप कितने होते हैं, तो उसके टाइप के बारे में देखें तो दो तरह के टाइप है। एक है सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा है उसको बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड स्टेटमेंट। हमें इसमें देखना है कि सिंपल स्टेटमेंट जो है उसमें क्या देखना है। तो इसमें आएगा नेगेशन ऑफ, नेगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट में सिर्फ हमें सिंपल स्टेटमेंट क्या है और उसका नेगेशन कैसे करते हैं वही देखना है। और यहाँ कंपाउंड स्टेटमेंट, तो कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनता है तो हम इसके लिए एग्जांपल देखें तो दो स्टिक है, दो स्टिक ऐसे, दो स्टिक है और ये दोनों स्टिक को बीच में से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, एक लॉन्ग स्टिक हो जाएगी। तो ये क्या है, छोटी छोटी दो स्टिक है वो क्या है, तो वो सिंपल स्टेटमेंट है। वो क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। उनको हम, ये जो सिंपल स्टेटमेंट है उनको हम डिनोटेड करते हैं स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर ऐसे। तो ये जो दो छोटी स्टिक है वो उनको हम बोलेंगे स्मॉल पी स्मॉल क्यू, और इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक लॉन्ग सी स्टिक हो जाएगी। और ये लॉन्ग सी जो स्टिक है उसको, इनको सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसको डी नॉट है। डिनोटेट करते हैं कैपिटल एस, इसको डिनोटेट करते हैं कैपिटल एस से। तो ये हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट, दो सिंपल स्टेटमेंट में से कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनता है, तो उसको हम ज्वाइंट करते हैं, और जो ज्वाइंट करते हैं वो वर्ड होता है, और ये जो वर्ड होते हैं उनको हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव। तो लॉजिकल कनेक्टिव कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव होता है एंड और इफ देन एंड इफ एंड ओनली
इफ एंड ऑनली इफ। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स फोर टाइप के हैं, एंड और इफ देन एंड इफ एंड ऑनली इफ। मतलब दो जो सिंपल स्टेटमेंट है उनको ज्वाइन करते इन वर्ड से, एंड और इफ देन इफ एंड ऑनली इफ से। तो ये ज्वाइंट करने पर हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, एंड और इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ। ये जो वर्ड है मतलब लॉजिकल कनेक्टिव्स है, ये लॉजिकल कनेक्टिव से जुड़ते हैं तब फोर टाइप के हमें कंपाउंड स्टेटमेंट मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो हम देखेंगे। जब समझ लो कि दो सिंपल स्टेटमेंट पी एंड क्यू वो एंड से ज्वाइंट होता है तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट को बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या बोलते हैं? कंजक्शन। और दो सिंपल स्टेटमेंट पी एंड क्यू और से ज्वाइंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिसजंक्शन। डिसजंक्शन उसी तरह दो सिंपल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू से ज्वाइंट होता है तो उसको बोलते हैं इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन इस इंप्लीकेशन का कॉन्ट्रा पॉजिटिव नेम है कंडीशनल स्टेटमेंट। उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्ड क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं और इंप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। आप टेंथ में जो थ्योरम देख रहे हो वो थ्योरम क्या थे? तो कंडीशनल स्टेटमेंट थे, उसी को ही आप इंप्लीकेशन बोलते हैं। और जब दो सिंपल स्टेटमेंट पी इफ एंड ओनली इफ क्यू से जॉइंट होता है तो उसको हम बोलते हैं बाई कंडीशनल। क्या बोलते हैं? बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। इसके बाद और भी टॉपिक है, चलो। तो यहां हमने जो देखा है कि फोर टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंजक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसमें आगे क्या आएगा? तो नेगेशन, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कौन कौन से? हमने देखे कंजक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, एंड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। कि जो फोर कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका हमें नेगेशन देखना है, ऐसा टॉपिक है। इसके आगे ये जो फोर टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ टेबल आता है। ट्रूथ टेबल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट कौन कौन से? तो यही कंजक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन एंड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसके अलावा सिंपल स्टेटमेंट का जो नेगेशन होता है उसका भी टेबल होता है। उसके सिवा भी दो और टॉपिक है, देखें टॉटोलॉजी एंड फॉलेसी।
टोटोलॉजी एंड फॉलेसी। जैसे हमने आगे देखा कि इंप्लीकेशन का कॉन्ट्रापॉजिटिव नियम है, कॉन्ट्रापॉजिटिव नियम है कंडीशनल स्टेटमेंट, उसी तरह पॉलिसी का कॉन्ट्रापॉजिटिव नेम है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या नाम है? कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, इसके अलावा भी एक टॉपिक हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, तो वो है कॉन्टिफियस। क्वांटिफियर्स, इसमें दो तरह के क्वांटिफियर्स होते हैं। इस एक को वन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्वांटिफियर्स। और दूसरे को बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल। तो ये इस टॉपिक में आने वाले सभी टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो हमने देखा कि रेगुलर में भी आता है और जेडब्ल्यू मेंस में भी आता है। जेडब्ल्यू मेंस की बात करें तो अभी जो जेडब्ल्यू मेंस आया है 2013 से, लेकिन अब तक यानी कि 2013 to 2021 तक जितने भी पेपर्स निकले हुए, उनमें से एक क्वेश्चन तो इसी टॉपिक का ही। कौन सा टॉपिक? मैथमेटिकल रीजनिंग। तो हमें वो देखना है कि सभी जो टॉपिक है उनमें से ये जो 2013 से 2021 तक जो क्वेश्चन आए हैं वो इनमें से कौन कौन से टॉपिक में से आए हैं, तो कौन से टॉपिक हमारे लिए मोस्ट है जेडब्ल्यू मेंस के लिए, वो सब कुछ इसी टॉपिक में हमें देखना है। तो जो मोस्ट टॉपिक है उनके बारे में और ये रेगुलर टॉपिक आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी यहाँ तक।